हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों, आज मैं हाथोज एरिया में हूं और यहां पर एक शानदार सिंप्लेक्स हाउस 3 BHK 111 वर्ग गज आप सामने देख सकते हैं। ये 111 वर्ग गज का सिंप्लेक्स हाउस का आज वर्चुअल टूर के लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नई नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। लगे हाथ चैनल को शेयर जरूर कीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अपने नॉन रिश्तेदार और जानकारों को इसका लिंक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को आज के। अगर मैं बात करूँ इसके डायमेंशन की तो 25x39 111 वर्ग गज का वेस्ट फेसिंग मकान है। 3 BHK सेमी डुप्लेक्स विला है ये और लोनेबल प्रॉपर्टी है, सोसाइटी पट्टे में है। यहाँ देख सकते हैं CC रोड है, 30 फीट रोड है ये और पानी बिजली सारी सुविधाओं के साथ है। अगर डिस्टेंस वाइज बात करूँ रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से तो 14 किलोमीटर डिस्टेंस है। वहीं पे अगर हाथ झोटवाड़ा से बात करूं तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस है। वहीं अगर मैं चिरायू हॉस्पिटल से मात्र अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 400 मीटर अंदर है ये, चिरायू हॉस्पिटल के बैक साइड में ये मकान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। यहाँ देख सकते हैं ये है रैम्प और जो फ्रंट है 25x25 का फ्रंट है, बहुत ही बढ़िया शानदार फ्रंट है और इसके साथ में लोनेबल प्रॉपर्टी है। यहाँ देख सकते हैं इसकी ये आयरन का गेट है, इजी मूवेबल है और इसी के साथ में जैसे अंदर एंटर किया तो आपको मिलता है यहाँ एक पार्किंग, शानदार पार्किंग है जिसके अंदर पानी का टैंक है जो 8000 लीटर कैपेसिटी का है। मोटर का प्रोविजन है, बाहर से चीना है, स्टील की रेलिंग है, ग्रेनाइट का चीना है और इसी के साथ में चारों तरफ आप देख सकते हैं टाइल्स लगा करके दी गई है। और यहाँ देख सकते हैं जालीदार ये गेट है और इसी के साथ में जैसे ही हमने एंटर किया है यहाँ मिलता है आपको फॉल सीलिंग और ये कलर वगैरह का काम चल रहा है, फिनिशिंग का वर्क चल रहा है और ये है एलसीडी पैनल है। और वहीं पे ईस्ट फेसिंग है, वास्तु के अकॉर्डिंग किचन आप देख सकते हैं, शानदार बड़ी सी किचन मिलती है आपको यहाँ पे 111 वर्ग गज के अंदर, एक बेहतरीन शानदार। और इसी के साथ में एक बेडरूम ये है 8x10 साइज का, फ्रंट साइड में विंडो है, रोड साइड में ओपन है देख सकते हैं और ऊपर से फॉल सीलिंग वगैरह है, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है पूरे मकान में। इसी के साथ में आपको यहाँ मिलता है एक बाथरूम, यहाँ देख सकते हैं ये है टॉयलेट और ये एक वॉश बेसिन है यहाँ पे। इसी के साथ में एक बेडरूम ये है आप देख सकते हैं 10x12 साइज का ये रूम है और ये वार्डरोब यहाँ पर मिलती है, वार्डरोब ऊपर फॉल सीलिंग है, अटैच्ड गैलरी यहाँ देख सकते हैं, पीछे गैलरी है अटैच्ड। तो ये दो बेडरूम हो गए, अभी मैं तीसरे बेडरूम में लेकर चलता हूँ आपको और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है थर्ड बेडरूम, मास्टर बेडरूम। यहाँ देख सकते हैं 12x12 साइज का ये रूम है और कलर वगैरह काम चल रहा है, ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हो, वार्डरोब और अटैच्ड बाथरूम यहाँ देख सकते हैं आप, अटैच्ड बाथरूम है ये। तो इस तरह से ये 3 BHK डुप्लेक्स मिला है 111 वर्ग गज में 25x25 के फ्रंट के अंदर, एक बेहतरीन शानदार विला। अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ छत पे और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 111 वर्ग गज का सेमी डुप्लेक्स विला है जो कि सिंप्लेक्स विला है और लोनेबल प्रॉपर्टी है, सोसाइटी पट्टे में है और वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो अगर इंटरेस्टेड है तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसकी अगर कीमत की बात करें तो मात्र 46 लाख रुपीज के अंदर ये मकान है। यहाँ देख सकते हैं एसी की रेलिंग है, ग्रेनाइट का जीना है और ये डी फ्रेम है। यहाँ हम आ चुके हैं अभी छत पे और छत से आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने की तरफ ये रोड आ रही है, बिल्कुल रोड के ऊपर ही है और ये रोड सीधी चिरायू हॉस्पिटल के सामने जाती है जो कि मात्र यहाँ से एरियल डिस्टेंस 400 मीटर है और आसपास की लोकेशन देख सकते हो, पानी भी। तो दोस्तों ये था मकान 111 वर्ग गज का। अगर इंटरेस्टेड है तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।